कर्मियों ने विधानसभा कूच किया है। इंडिया नाम हटाने को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। एसपी ने इसे लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। वह निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि जिसे भारत में रहना है उसे भारतीय संस्कृति को मानना होगा। देश की जनता और देश के प्रमुख दलों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम रखा इंडिया। अब भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से इतना डर गई, सहम गई कि इंडिया नाम से ही उन्हें दिक्कत होने लगी। कल यही जनता, यही सारे गठबंधन मिलकर अपने गठबंधन का नाम भारत रख देंगे तो क्या भारतीय जनता पार्टी भारत के नाम पे भी ऐतराज करने लगेगी? ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया है विगत सालों में, इसलिए डरी सहमी हुई है। उसे पता है कि आने वाले चुनाव में इस बार जनता उसको सत्ता से हटा देगी, इसलिए वो हर हथकंडे अपनाना चाहती है। उनके खुद के प्रधानमंत्री को कहना पड़ रहा था कि हम गरीबों के लिए 100 रुपए भेजते हैं तो 85 बीच में खा जाते हैं, 15 पहुंचता है, तो ये 85 खाने वालों का कब्रिस्तान है जो इंडिया बना रहे हैं वो लोग। आज के दिन में भारत भारत है, भारत भारतीय संस्कृति है, भारत के लोगों का है, और जिसे भारत में रहना होगा उसे भारतीय संस्कृति के बात को मानना पड़ेगा। ये जो भी कांग्रेसी बोल रहे हैं इधर उधर, अगर उन्हें लगता है कि हमें हिंदू धर्म के भारतीय संस्कृति को भारत को मानने वालों का वोट नहीं चाहिए तो एक फार्म बना लें कि हमें क्रिश्चियन और खाली मुसलमान चाहिए और बिरादरी नहीं चाहिए, और न हम दूसरे को टिकट देंगे न हम सदस्य बनाएंगे। अभी पता चल जाएगा कितने लोग उनके साथ हैं। इंडिया नाम हटाने के सियासी बवाल के बीच एसपी का कहना है कि मुलायम सिंह यादव ने 2004 में यूपी विधानसभा में इंडिया नाम को भारत करने का प्रस्ताव पास किया था। तब इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाले बीजेपी ने इस प्रस्ताव को नहीं माना था। ये राष्ट्र, सेना और भाषा के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया, नेताजी ने किया, किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं किया। 3 अगस्त 2004 को नेताजी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा से इस प्रस्ताव को पारित कराया कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए, और इस प्रस्ताव को लेके जब नेताजी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से मिले जिसने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया था। देश भर के विपक्षी दल आज जब अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लेते तो भारतीय जनता पार्टी को इंडिया नाम से दिक्कत हो रही है। देश आज भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देख रहा है। राष्ट्र और भाषा संस्कृति की दुहाई देने वाले लोगों का असली चेहरा तो जनता के सामने आ गया। प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द को लेकर सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि भारत को इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष का कहना है कि बीजेपी संविधान से खेल रही है। इसी को लेकर यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद से बात के हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने। इंडिया को लेकर के एक बार फिर से चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इन दोनों पर? देखिए, आज हमारा भारत ये तेजी से विकास की तरफ आगे बढ़ता हुआ भारत है। आज के हमारे इस भारत ने विश्व के सामने ये दिखाया कि ये भारत अपनी क्षमताओं से, अपनी कुशलताओं से विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस भारत के नौजवान ने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस भारत को उन्नति के नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो बीड़ा उठाया, निश्चित तौर पर आज का भारत दुनिया के सामने एक नया भारत बनकर उभर रहा है, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम आज के इस भारत के नागरिक हैं और भारत के विकास में हम सब भी अपना सहभाग कर रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं। G20 को लेकर के राष्ट्रपति की तरफ से एक निमंत्रण पत्र लोगों के बीच में इस वक्त चर्चा का विषय है, उसमें जो लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उसको लेकर के विपक्ष और तमाम जो राजनीतिक दल हैं सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का असली चाल, चरित्र और चेहरा यही है कि उनको हर बात पर राजनीति करनी है। विपक्ष आज मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई एजेंडा नहीं है। हमने